मैडम, खुद ही सुकरात की हो या रुदाब गांधी की, सदाकत जिंदगी के मोर्चे पे हार जाती है। फटे कपड़ों में तन ढाके दिखता हो जहां कोई, समझ लो वो पगडंडी आदिवासी के गांव जाती है। तो फटे कपड़ों में तन ढाकने का असफल प्रयास करने वाले आदिवासी बच्चे बच्चियों के लिए आपने विश्वविद्यालय ला रहे हैं, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, लगभग 900 करोड़ रुपए। इसी को अंत्योदय कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए, शिक्षा आए। और गलतफहमी हम रहे कि उत्तम खेती मध्यम बाद निश्चित चाकरी भीख निदान, तो खेती को उत्तम समझते हुए स्कूल नहीं गए। फिर किसी ने कह दिया, हमने मान लिया कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। नवाब नवाब बन नहीं पाए और खराब हो गए। अध्यक्ष जी, मैडम, एक हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, विश्वविद्यालय ला रहे हो वो भी हैदराबाद में ला रहे हो, आंध्र प्रदेश में ला रहे हैं, कृपा करके इस बात का ध्यान रखना कि दूसरा JNU ना बन जाए। कुछ एडमिशन में इस प्रकार की बाध्यताएं जरूर होनी चाहिए कि वहां नारे ना लगें। जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे जो नेहरू विश्वविद्यालय है उसमें नारे लगते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये नोट कर रहे हैं आप, जरूर नोट करिएगा, क्योंकि इस प्रकार के बच्चों का एडमिशन हिंदुस्तान के किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं होना चाहिए। अगर राष्ट्रवादी नहीं बन पाए तो ऐसी MSc, LLB, PhD, MBA, BBA, BCA, होटल मैनेजमेंट को लेके चाटेंगे क्या? मेरे को तो शर्म आती है जो ये लोग नारे लगाते हैं और JNU की डिग्री लेकर के बैठे हैं। सर, इस तरफ है। अच्छा, JNU की डिग्री लेकर के बैठ रहे हैं क्योंकि भारत भूमि का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्रकोष है। कश्मीर इसका मस्तिष्क है, हिमालय इसका मुकुट है, और गौरीशंकर इसकी जटाएं हैं, पंजाब और बंगाल इसके मजबूत कंधे हैं, विंध्याचल इसकी कमर है, और नर्मदा इसकी करधनी है, पूर्वी और पश्चिम घाट इसके दो मजबूत जंघाएं हैं, और कन्याकुमारी इसके पैर धोती है, इसका कंकर कंकर पत्थर है और बूंद बूंद गंगा जल है। हम ये बंधन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, हम जिएंगे इसके लिए और हम मरेंगे इसके लिए, लेकिन ऐसी ऐसी जरूर आपको एडमिशन में कुछ शर्तें जरूर लगानी चाहिए। इसलिए सर, मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा, मैं नालंदा, तक्षशिला, बाला भी मूढ़ी साहब ने कहा था, जगतदला, औंदलपुरी, सबके विक्रमशिला और तक्षशिला दोनों का, दोनों के आचार्यों का, कि एक उन्होंने जो ये स्थापना की थी, आज वो फल फूल रहे। मैं थैंक यू सर, आपने आज मेरे को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल पे बोलने का। चलो एक मिनट सर, मंत्री जी, 1827 में आगरा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और 1823 में आगरा कॉलेज आगरा, इट वॉज एफिलिएटेड विद कलकत्ता यूनिवर्सिटी। हमारे विश्वविद्यालय में से कानपुर विश्वविद्यालय, साहूजी विश्वविद्यालय कानपुर, मेरे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, और इसी में से रुहेलखंड विश्वविद्यालय, और इसी में से जौनपुर विश्वविद्यालय, और इसी में से मेरठ विश्वविद्यालय, बरेली विश्वविद्यालय और झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय बन गए। हमारे विश्वविद्यालय से 6 विश्वविद्यालय बने और हम अभी वहीं पर हैं, केवल हमारा नाम बदला गया, डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय। आगरा दलित समाज की राजधानी है, BR अम्बेडकर साहब के नाम से विश्वविद्यालय है, जिनका एटम बम से भी ज्यादा ताकत 3 शब्दों में, शिक्षित बनो, संक्षित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब ने यूं क्यों नहीं कहा कि संक्षित बनो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो? उन्हें पता था जब तक शिक्षित नहीं बनेंगे संक्षित नहीं हो सकते, संक्षित नहीं हो सकते संघर्ष नहीं हो सकते। तो बाबा साहब के लिए श्रद्धांजलि के तौर पर हमारे आगरा विश्वविद्यालय आगरा, जहां पर 2 राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति जी शंकर दयाल शर्मा, 3 प्रधानमंत्री, चौधरी चरण सिंह, गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी, और इसके बाद 2 मुख्यमंत्री, कल्याण सिंह और मुलायम सिंह, विश्वविद्यालय से पढ़े हैं। 1827 का है, अभी केवल नाम रखा है। बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देना है तो उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दीजिए आगरा को। और 1823 का मेरा कॉलेज है आगरा कॉलेज आगरा, 10,000 बच्चे हैं और NAC ने BEE++ उसको मान्यता दी है। एक पैसा नहीं लगना है, हम पर जमीन बहुत है, बिल्डिंग बहुत है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुलना है और आगरा कॉलेज आगरा को डीम्ड यूनिवर्सिटी, यही मैं आपसे कहना चाह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद।